भारत के सनातनी लोग सभी को सुखी रखने के लिए खुद को मृत्यु के घाट पर नहीं पहुंचा सकते। हमारा मूल चरित्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम किसी को भगाने की बात नहीं कर रहे हैं, अपनी संस्कृति को बचाने की बात हो रही है। जहां पर मुस्लिम बहुसंख्य है, वहां पर दुनिया देख रही है कि अल्पसंख्यकों की क्या हालत है। अगर देश के वर्तमान हालात ऐसे ही रहे तो वह दिन दूर नहीं जब भारत में भी 15-20 साल बाद यही स्थिति होगी। यह कहना था प्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर का। वह आज ताज नगरी आगरा के सेल्फी पॉइंट पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया के साथ मुखातिब होते हुए हिंदू राष्ट्र को लेकर बेबाकी के साथ अपनी राय रखी। हिंदू को अपनी संस्कृति बचाने का क्या अधिकार नहीं है? अपने अपने बच्चों का भविष्य देखना है, किसके लिए आवश्यक है हिंदू राष्ट्र की? उन्होंने इस दौरान कहा कि देश के मदरसों की संख्या तेजी के साथ बढ़ रही है, वहीं हमारी संस्कृति को बचाने का काम करने वाले गुरुकुल को खत्म करने का काम किया जा रहा है। भारत सरकार को चाहिए कि देश की संस्कृति को बचाने के लिए गुरुकुल की स्थापना करवाएं। एक विमर्श चल रहा है हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर, तमाम संत लोग सामने आ रहे हैं, बात रख रहे हैं, तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? इसमें कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को दुख देना चाहते हैं या कष्ट देना चाहते हैं या यहाँ किसी को रहने नहीं देंगे, इसका मतलब ये कदापि नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि हमारी सनातन परंपराओं का अगर निर्वाण हुआ और हम लोग अपने परिवारों को, आने वाली पीढ़ी को अगर सुरक्षित करने का विचार रखते हैं, जिसमें हम सभी आने वाली कुछ सालों की अगर कल्पना करें तो बहुत भयावह है। सच को आप भी जानते हैं, आप आसपास के देशों को देख सकते हैं, चाहे वो हमारा बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, और कोई भी कितनी भी कंट्रियां आप देख लीजिए, जहां पर बहुसंख्या हम लोग अल्पसंख्या में आए हैं, वहां हम लोगों की बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है, वहां हमारे पूजा मंदिरों का क्या हो रहा है, वहां हमारी व्यवस्थाओं के साथ क्या हो रहा है। और यही हाल अगर हम लोग नहीं सुधरे, 15-20 साल में हम लोगों ने कोई स्टेप नहीं उठाया, तो आने वाले समय में यही हाल भारत में भी होगा। हिंदुस्तान का मूल चरित्र तो सेक्युलर है ना, संविधान सेक्युलर, ये सारी चीजें आकर हो क्यों रही है? नहीं, हमको ये नहीं समझ में आता सेक्युलर और सेक्युलर। हम लोग किसी को भगाने की बात तो नहीं कर रहे। हम लोग, हमारा सनातन क्या कहता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम सबको सुखी रखने के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन सबको सुखी रखने के लिए अपने आप को मृत्यु के घाट में नहीं पहुंचा सकते ना, अपने बच्चों की इज्जत का खिलवाड़ हम लोग नहीं देख सकते ना, आने वाली पीढ़ी पे जो विपत्तियां आएंगी, हम अगर 100 साल भी अपने देश की आजादी को बरकरार नहीं रख सके तो इसे हमारी मानवता कहा जाएगा क्या? महाराज जी, आपने बच्चों के लिए भी आपने कहा कानून बनना चाहिए। मैंने ये कहा है कि सरकार ऐसा कानून बनाए कि सभी सनातनी बच्चे सिर्फ सनातनी परिवारों में ही विवाह करें। उसके पीछे लॉजिक है, सिंपल लॉजिक है। आप सभी जानते हैं कि जिन जिन बेटियों ने धर्म परिवर्तन किया, जिन्होंने विवाह किया अलग धर्म में, उन्हें धर्म परिवर्तन करना पड़ा, उन्हें जिंदा जलना पड़ा, उन्हें मारपीट सहनी करनी पड़ी, उन्हें तलाक सहन करना पड़ा। औरों की तो बात छोड़िए, अभी एक हीरोइन है, उसने दूसरे धर्म में विवाह किया और उसने धर्म परिवर्तन नहीं बदला किया, तो उस लोगों ने, उनके धर्मगुरुओं ने क्या कह दिया, ये शादी नाजायज है। फिर उसकी आने वाली पीढ़ी क्या होगी, जायज होगी क्या? वो भी नाजायज है। तो इसका मतलब है कि धर्म, जो विवाह करना है वो विवाह धर्म परिवर्तन करने का जरिया है। तो हम तो अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा चाहते हैं, इसलिए हमारे बच्चों के लिए भारत सरकार कानून बनाए कि सनातनियों के विवाह सनातनियों में होगा। क्या धर्मांतरण विरोधी कानून बना रखा है? धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया, मैं कह रहा हूँ शादी के लिए, कि सनातनी बच्चों का विवाह सनातनी परिवारों में ही हो, ऐसा सरकार कानून लाए। हाल ही में आपने गोभी की प्लेटफॉर्म का भी विरोध किया है।